हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं 8 बज रहे हैं सुबह के। तो कल रात को मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काफ़ी थके थे। और ओके, तो मैं होती हूँ फ्रेश, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ओके तो मैं हो गई हूँ रेडी। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मार्केट में ही करते हैं ब्रेकफास्ट, और थोड़ा सा पूरा मार्केट, थोड़ा सा नहीं पूरा मार्केट घूमते हैं। उसके बाद सोच रही हूँ अटल टनल जाऊँ, अगर गए तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। और कल के वीडियो का जो है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो वो आज मैंने सुबह फिर से वो अपलोड हो गया है, तो वो उसमें फुल आ रहा है, तो आप उसको ज़रूर चेक करना। तो चलिए चलते हैं। अभी आएगा चाय और फिर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मिलते हैं। तो मार्केट जाएंगे हम, स्टार्टिंग ऊपर से नीचे जाएंगे, तो अभी गलियों से जा रहे हैं मार्केट के सबसे टॉप पे। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो यही पहनते हैं। और मार्केट का लास्ट, तो इसके बाद हम जाएंगे तिब्बती मार्केट। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मनाली का तिब्बती मार्केट। अभी टिकट लेंगे और अंदर जाके आपको भी दिखाती हूँ कि अंदर कैसा है और कैसा दिखता है। यहाँ पे जो है फोटोग्राफ भी हो रही है मनाली ड्रेस में, तो मैं वो पहन के फोटो लूंगी और उसको पहन के मैं वीडियो में भी आपको दिखाती हूँ। ओके, तो आपने देखा ही होगा रैबिट जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, और इसके बाद अब मैं पहनूंगी मनाली का ड्रेस। तो यहाँ पे जो है इसी पार्क में जो है ऐसे मनाली के ड्रेस भी मिलते हैं।
तो मैंने पहन लिया है मनाली का ड्रेस पूरा आंटी। तो ये हार है और इसको इसको किसको इसको थिप्पू बोलते हैं मनाली की लैंग्वेज में। और इसमें हम फोटो ले सकते हैं और ऐसे इसको बोलते हैं चंद्रार, ए बुमणी, ए गाची, ए पट्टू। तो मैं हूँ मनाली ड्रेस में, ये फूलों का टोकरी है, सारा कुछ ड्रेस आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया हुआ है। ओके, तो मैंने पहन लिया था ड्रेस, अब यहाँ से बाहर जाएंगे पार्क से। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मनाली का टोपी मैंने पहना हुआ है और आपको मैं पार्क का व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे मिलता है मनाली का ड्रेस फोटो क्लिक करने के लिए। और ओके, तो चलिए आप फिर इससे आगे चलते हैं। ओके, मैं पहुंच गई हूँ रूम में वापस और मैंने लिया है एक बैग। अब करूँगी पैकिंग और निकलेंगे। अब हम निकल गए होटल से और अब जाएंगे अटल टनल। उसके लिए यहाँ पे अभी गाड़ी देखनी पड़ेगी। तो मैंने पैक किया है और मुझे लग रहा है वहाँ पे ठंड होगा, तो इसीलिए मैंने बाइक का ये पहना हुआ है। तो चलिए पहुँचने से पहले और एक वैली आता है सोलंग वैली, जो कि टूरिस्ट पॉइंट है और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। तो आप मैं अपना बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ सोलंग वैली। यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ है, बहुत टूरिस्ट आया हुआ है। तो चलिए सो अटल टनल नहीं जा पाए क्योंकि वेदर जो है वहाँ पे काफ़ी वेदर चेंज होने की वजह से यहाँ पे पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा। तो अब हम यहाँ रुके हैं सोलंग वैली में। तो ये भी बहुत ही अच्छा जगह है, तो आप मैं पीछे देख ही सकते हैं काफ़ी घोड़े, ये सारी चीज़ें हैं और एक्टिविटीज़ बहुत सारे हैं। और यहाँ भी काफ़ी ठंड है, तो मैं आपको दिखाती हूँ सोलंग वैली। आपको तो यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए, तो लेकिन हमारा प्लानिंग जो था वो किसी और जगह का था। अटल टनल नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, यहाँ पे काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। तो अब मुझे लगता है हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ से
आप मेरे बैक साइड से देख रहे होंगे रोप वे, उसके वहाँ पे भी रश है काफ़ी, तो लंबी लाइन में बैठना पड़ेगा, तो इसीलिए बेटर मैं समझती हूँ कि वापस जाना। लेकिन वैली जो है बहुत ही अच्छा है, वहाँ साइड से देख ही सकते हो, तो वहाँ पे काफ़ी रश है। तो इसके बाद मैं जा रही हूँ सीधा मंडी, तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द कल के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।